जिले में न्यूज स्टार की खबर का असर देखने को मिला। दरअसल विगत 15 दिन पहले डूंगा मेहगांव जलाशय की खबर न्यूज स्टार के द्वारा चलाई गई थी, जिसका असर यह हुआ कि संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों के तक यह खबर पहुंची तो आनन फानन में पहुंचकर ग्राम की जनता और प्रतिनिधियों व ग्रामवासियों की जागरूकता के चलते उसका निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि प्रतिवर्ष बरसात में बांध पर काफी दबाव बन जाता है, जिससे लोगों की जान को खतरा बढ़ जाता है, जिसके चलते ग्रामवासियों की जागरूकता व जनप्रतिनिधियों के सहयोग के कारण जलाशय का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है। जलाशय बना हुआ है, उसकी रिपोर्ट अभी कुछ दिनों पहले न्यूज स्टार के माध्यम से हम लोगों ने देखी और फिर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के माध्यम से हम लोगों ने उस क्षेत्र का दौरा किया, ग्रामवासियों से, सरपंच से, पंचों से मुलाकात की और जाकर के मौके का निरीक्षण किया। वास्तव में हर साल ये समस्या बनती है कि जलाशय से कुछ भुलक टाइप निकलती है, कुछ ऐसा कहते हैं कि वहाँ पे जो केंकड़े हैं वो वहाँ पे होल कर देते हैं, ये समस्या हमेशा बनी रहती थी। मेंटेनेंस के नाम पे पैसा निकलता है, लीपापोती कर दी जाती थी, बोरियाँ मिट्टी में भर करके वहाँ पे लगा दी जाती थी और हर साल इसके नाम पे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होता था। न्यूज स्टार के माध्यम से ये खबर चली और इस बार कुछ उच्च अधिकारियों ने ध्यान दिया। अभी हम लोगों ने पुनः जाकर के देखा तो वास्तव में इस बार कुछ अच्छा काम हो रहा है। वहाँ पर सीमेंट, कंक्रीट और लोहा बिछा करके बांध को बांधा जा रहा है, जहाँ से लीकेज थे उनको बंद किया जा रहा है। हम फिर एक बार उच्च अधिकारियों से निवेदन करेंगे कि गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए और निश्चित रूप से ये बड़ा जलाशय है, यदि इसको क्षति होती है तो नीचे जो 10-12 गाँव हैं वहाँ पे जो आम जन रहते हैं उनकी जान माल के खतरे की हर समय संभावना बनी रहती है। हम अपेक्षा करेंगे कि उच्च अधिकारी मौके पर जाते रहें और जो कार्य चल रहा है उसको निरंतर अपनी निगरानी में देखते रहें। एक बार पुनः हम न्यूज स्टार को और उच्च अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जन समस्या को निराकरण करने में अपना सहयोग प्रदान किया। धन्यवाद।